हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 7 द क्रो एंड द पीकॉक इसको समझेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। दिस हैपेंड अ वेरी लॉन्ग टाइम अगो, यह बहुत समय पहले की बात है। द टाइगर वॉज गेटिंग मैरिड, बाघ शादी कर रहा था। द पीकॉक एंड द क्रो वर इन्वाइटेड टू द वेडिंग, और उसके शादी में उसने पीकॉक होता है मोर और क्रो होता है कौआ, तो मोर और कौए को उसने बुलाया था। इन दोज डेज क्रोज वर एज वाइट एज स्नो, उन दिनों कौआ इतना सफ़ेद होता था जैसे बर्फ। पीकॉक्स वर एज येलो एज बटर, और पीकॉक इतना पीला होता है जैसे वह मक्खन की तरह पीला होता था। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट वेडिंग, यह बहुत ही महत्वपूर्ण शादी है, सेड द पीकॉक, मोर ने कहा। आई थिंक वी शुड मेक आवरसेल्व्स कलरफुल फॉर सच एन ओकेजन, मुझे लगता है कि हमें इस अवसर पर खुद को रंगीन बनना चाहिए। व्हाट एन आइडिया सेड द क्रो, कौवे ने कहा, कितना अच्छा आइडिया है। यस वी मस्ट लुक वेरी कलरफुल, हमें अवश्य ही रंगीन दिखना चाहिए। सेड द पीकॉक विद अ स्माइल, तो मोर ने मुस्कुराते हुए कहा। आई नो हाउ टू डू इट, मैं जानता हूँ यह कैसे हो सकता है, सेड द क्रो, कौवे ने कहा। आई हैव सम कैंस ऑफ पेंट, मेरे पास पेंट की कैंस हैं। ईच कैन हैज़ अ डिफरेंट कलर ऑफ द रेनबो, तो इसमें अलग अलग तरह के इंद्रधनुषी रंग हैं। वी कैन यूज दीज कलर्स टू लुक एज ब्यूटिफुल एज वी लाइक, हम इन कलर्स को यूज़ करके इतने सुंदर दिख सकते हैं जैसा हम चाहते हैं। प्लीज़ यूज़ योर कलर्स टू मेक मी कलरफुल, कृपया अपने कलर्स को मुझे रंगीन दिखने में बनाने में मदद करो, सेड द पीकॉक, मोर ने कहा। एंड देन आई विल वर्क ऑन यू एंड मेक यू ऑल्सो इक्वल कलरफुल, तो मैं भी आपको रंगीन बनाने में मदद करूँगा। ओके सेड द क्रो, कौवे ने कहा, ठीक है। एंड एट वंस ही सेट टू पेंटिंग द पीकॉक, और वह पीकॉक को रंगीन करने में लग गया।